फिर फंस गए बाबा रामदेव। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमकर लगाई फटकार। तो क्या लोगों को गुमराह करते हैं बाबा रामदेव? कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली ज्यादातर मौतों के लिए एलोपैथी को जिम्मेदार बताने वाले बयान पर बाबा रामदेव को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि तथ्यों से इतर कुछ भी बोलकर लोगों को गुमराह न करें। कोर्ट ने कहा कि आप शिष्य रखने को स्वतंत्र हैं, ऐसे लोगों को साथ रखने के लिए भी स्वतंत्र हैं जो आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन लोगों को भ्रमित न करें। आपको जानकारी हो कि पिछले साल विभिन्न संगठनों ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करके रामदेव पर आरोप लगाया था कि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली ज्यादातर मौतों के लिए एलोपैथी जिम्मेदार हैं, और दावा कर रहे हैं कि कोरोनिल से कोविड-19 का इलाज किया जा सकता है। जिसके बाद डॉक्टरों के संगठनों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि हाल ही में रामदेव ने सार्वजनिक भाषणों में कहा है कि कोरोनिल से कोविड-19 का इलाज किया जा सकता है, और उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ टीके को प्रभावहीन बताया। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा, ये कहना ठीक है कि मैं वैक्सीन नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये कहना बिल्कुल अलग बात है कि वैक्सीन भूल जाओ, ये बेकार है। जो फॉर्मुलेशन मैंने तैयार किया है उसे नेताओं समेत दुनिया भर के लोगों को दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव से कहा कि वो अपने शिष्य और अनुयायी बना सकते हैं, ऐसे लोग उनकी बातों पर भरोसा भी कर सकते हैं, लेकिन आधिकारिक जानकारी से अलग कुछ कहकर लोगों को गुमराह न करें। इधर रामदेव के वकील ये केस राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा, बाबा रामदेव को बदनाम करने के लिए इस केस को कांग्रेस बनाम भाजपा बनाया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा, कोर्ट में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। जानकारी हो कि कोरोना के दौरान बाबा रामदेव के एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयानों पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें दी। उन्होंने बाबा रामदेव के कोरोनिल को कोरोना का इलाज कहने वाले स्टेटमेंट को लेकर एलोपैथिक डॉक्टरों के संगठन की तरफ से पैरवी की। अदालत ने इस मामले में अगले सप्ताह फिर सुनवाई करने की बात कही है। सिब्बल ने कहा कि कोरोनिल को दिए गए लाइसेंस में कोविड-19 का कोई जिक्र नहीं है, और इसमें सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और आयुर्वेदिक सामग्री होने की बात है। अदालत को बताया गया कि रामदेव के कुछ बयानों में ये संदर्भ भी दिया गया कि एक विदेशी राष्ट्र के नेता टीका लगवाने के बावजूद कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।